कि किसी भी महिला को अपने आप पुरुष से कम नहीं सोचना चाहिए, और उनकी जो जगह है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में हो, बिजनेस में हो, किसी कंपनी में हो, या घर में हो, स्कूल में हो, उनकी उनको अपनी जगह के लिए लड़ना चाहिए। और जब उनके ऊपर अत्याचार होता है या उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है, मारा जाता है, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और पुरुषों को भी मैं एक सुझाव देता हूं कि आपको भी महिला को वही जगह देनी चाहिए जो अपने आप को देते हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान की महिलाओं का हक है, और देश दोनों महिला और पुरुष के बिना नहीं चल सकता है। सबसे पहले काफी सालों से अब हम विधानसभा लोकसभा में विमेन्स रिजर्वेशन को लाना चाहते हैं, पंचायतों में हम महिला रिजर्वेशन लाए और उससे काफी महिलाओं को फायदा मिला और उनकी जो आवाज है वो पंचायतों तक पहुंची। मगर अगर आप मंत्रिमंडल देखें, उड़ीसा का मंत्रिमंडल देखें, शायद यहां पे सिर्फ दो महिला मंत्री हैं। तो लोकसभा विधानसभा में उनकी जगह बननी चाहिए और ये रिजर्वेशन के माध्यम से हो सकता है। तो हमारी सरकार आएगी तो हम विमेन रिजर्वेशन को लोकसभा में पास करने की कोशिश करेंगे, राज्यसभा में पास करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात,